पूर्णिया के समीर सौरभ ने यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग में 32वां स्थान हासिल कर बिहार का मान बढ़ाया है। समीर सौरभ की इस सफलता से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे की इस उपलब्धि पर माता पिता गर्व कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2018 में भी समीर सौरभ ने यूपीएससी की परीक्षा में 142वां रैंक हासिल किया था और आईपीएस बन गए थे। इस बार 32वां रैंक लाकर समीर सौरभ आईएएस बन गए हैं। 32वां रैंक लाया इस बार 2018 वाला, इसमें बहुत खुशी है। हाँ, इसके पहले इसके पीछे वाले बैच में 142वां रैंक लाकर आईपीएस मिला था उसको, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उनको आईएएस मिलता, फिर से तैयारी किया और संयोग से मिल गया। अब आईटी बीटेक खड़गपुर से 2014 में पास आउट हुआ। बहुत ढेर सारी बधाई, और वो आगे अच्छे से काम करे, ईमानदारी से देश की सेवा करे, और मेरे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद उसे है। जहाँ कहीं भी रहे अच्छे से काम करे। 42वां लाया था, उसमें आईपीएस मिला था, इस बार शायद आईएएस मिल सकता है। समीर सौरभ के पिता अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं। बेटे की इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। समीर सौरभ के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल समीर सौरभ हैदराबाद में आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।